लेकिन जो मैं बोलूंगा जो कहूंगा उसको आप नहीं दे पाओगे। कल के लुच्ची आज के मंत्री बने बैठे हो, क्या बताएं ये देश के बारे में? हकीकत को आप नहीं बता सकते हो। हकीकत आप बताओगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। आप बनारस में सनातन धर्म का बिल्कुल सत्यानाश हुआ है, हमारी सारी पहचान समाप्त हो गई। आज इनके नाम को लेके आप गुजारे डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं कि हमने सम्मान नहीं दिया, आपसे क्या मतलब? हमारे परिवार है, हम जिसको परिवार बनाए परिवार को डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। जो लोग सरकार के पक्ष में सरकार की दलाली करते हैं उनको कुछ राहत मिल रहा है। आज विश्व में, आज भी मोदी जी अगर विदेश में जाते हैं तो गांधी जी को नमस्कार करके ही पना पाते हैं, वरना पना नहीं मिल। मोदी जी का जिंदाबाद और योगी जी का जिंदाबाद करने से क्या फायदा? भगवान ये बात कि जिस बात को आप हमसे कबलवाना चाहते हैं, मैं प्रियंका गांधी नहीं हूँ। चुनाव पर बात करेंगे कुछ? चुनाव पर बात करें। आप बनारस में रहते हैं और बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, योगी जी मुख्यमंत्री, आप कहें कि कार्यकाल में कुछ काम हुआ है यहाँ पर? ऐसा बेटा, मैं जो बोलूँगा उसको आप लोग दे नहीं पाओगे। नहीं सर, बोलिए जरूर, हमारा काम ही यही है। आपका काम ही यही है कि आपका बेटा काम भले ही हो, लेकिन जो मैं बोलूँगा जो कहूँगा उसको आप नहीं दे पाओगे। सर वही दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, वादा कर रहा हूँ मैं। वादा आप कितनों कर? अरे बेटा 80 साल उम्र गुजर गया, हवा में नहीं हूँ। मैंने राजेंद्र प्रसाद से लेके अब तक रिजिम जाना है। मैं ये जितना बोल रहा हूँ आप टेप कर रहे हो, मैं जा रहा हूँ। लेकिन हकीकत को आप नहीं बता सकते हो। हकीकत आप बताओगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, आपकी छीन ली जाएगी, बैठा दी जाएगी। बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं दिखाऊँगा, आप बोलिए। तो बनारस में सनातन धर्म का बिल्कुल सत्यानाश हुआ है, आपको लगता है? यही मैं पूछने वाला था। कुछ लोग कहते हैं काम हुआ है, लेकिन बहुत से बनारस के लोग कह रहे हैं कि जो परंपरा थी, पहचान थी, उससे खिलवाड़ हो रहा है। बनारस की पहचान सनातन धर्म बिल्कुल सर्वस्व नाश हो गया मोदी जी की तरफ। हाँ, मोदी जी ने बनारस को पर्यटक स्थल बना दिया, धार्मिक स्थान को समाप्त करके बल्कि पर्यटक स्थान बना दिया। मोदी जी ने गरीबों को उजाड़ के गरीबों के देवताओं को रखने का काम किया। मोदी जी ने बिल्कुल 100% जो है जनता विरोधी और राष्ट्र विरोधी काम किया। ये हमारे पास प्रमाण है इस बात का कि मैं 80 साल का आदमी, मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके अब तक के हाल का, 47 से लेके अब तक का रीम का स्थिति मैं जानता हूँ कि देश में क्या हुआ, देश ने क्या खोया, देश ने क्या पाया, देश में कितना विकास हुआ, ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, न किसी का टेप करने की आवश्यकता, न मुझे MLA MP मिनिस्टर बनने की लालसा है। लाल बहादुर शास्त्री के नीतियों का मैं अनुयायी हूँ और लाल बहादुर शास्त्री के नीतियों के अनुसार ही मैं चलता हूँ। मैं लाल बहादुर शास्त्री अनुसरण स्मारक समिति का बनारस का जनरल सेक्रेटरी हूँ। यहाँ इस मैदागिन चौराहे का संरक्षक, ये मेरी बसाई हुई नगर है। इस पर भी खिलवाड़ हो रहा है। जो गुमती आमंत्रित थे, जिनका आमंत्रित हुआ उनको नहीं मिल रहा है। दलाल और 420 लपटे हुए इसलिए को भाजपा के साथ है। अच्छा, मतलब जो सरकार के साथ वाले लोग हैं, सरकार के पक्ष को लोग हैं, उनको फायदा मिल रहा है और बाकी लोगों को नहीं? जो लोग सरकार के पक्ष में सरकार की दलाली करते हैं उनको कुछ राहत मिल रहा है, वो कुछ पा जा रहे हैं। लेकिन जो सरकार को सही राह दिखाना चाहता है, सरकार को जो चीज़ बतानी चाहिए उसको जो लोग बताते हैं उसका मुंह बंद कर दिया जाता है और पुलिस तुरंत FIR लाद करके और आप सर, मैं देख रहा हूँ आप बुजुर्ग हैं इतने, आपने बिल्कुल देखा, आपने जैसा कहा भी, आपने सारी सरकारें देखी हैं, प्रदेश सरकारें, केंद्र सरकारें देखी हैं। बनारस की बड़ी चर्चा रहती है, यहाँ के सांसद हैं मोदी जी, उनको जो चाहने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि बहुत काम हुआ है, बनारस को बदल दिया गया, बनारस को नई पहचान मिली है। वहीं जैसे आपने भी कहा, कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि जो बनारस की परंपरा थी, पहचान थी, उसको तोड़ा जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। आप भी यही बात कह रहे हैं? मैं ये लोगों की बात को नहीं सुनना चाहता। जहाँ तक रहा सवाल मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो आज तक बनारस में काशी नरेश की बनारस है। आज तक कोई बनारस को हमारा बनारस नहीं कहा है। तो मोदी जी तो विकास इतना क्या कि हमारा बनारस तक कह गए और हुआ कुछ नहीं। सनातन धर्म का बिल्कुल सत्यानाश हुआ, हमारी सारी पहचान समाप्त हो गई। ये तो कहते हैं कि भाजपा के लोग, भाजपा की तारीफ या जो वही लोग कह रहे हैं जो लोग RSS से जुड़े हुए हैं, जो लोग इस बने हुए गुलदस्ता को खंड खंड करना चाहते हैं, जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जो असली हिंदू और नकली हिंदू को सर्टिफिकेट बांटते हैं, जो जिनके पास
कोई अपना निजी हिंदुत्व का लाइसेंस नहीं है, न अपने माँ बाप का जो इज्जत नहीं करता हो, जो बड़ों का इज्जत नहीं करता हो, जो अच्छी बात को नहीं करता हो, जो पूर्वती बातों को नहीं समझता हो, वो मंत्री बना बैठा है। कल के लुच्ची आज के मंत्री बने बैठे हो, क्या बताएं ये देश के बारे में, जो अपने माँ बाप ने क्षेत्र और महल की बात नहीं कर सकते हैं, जिनकी पहचान महल में नहीं है, वे मंत्री बनाए गए हैं। आज वो मंत्री हमारे पर शासन कर, जिनके पीछे पुलिस दौड़ती थी, आज पुलिस उनकी रखवाली कर रही है। आम नागरिक को क्या मिला? कुछ नहीं। जितनी भी व्यवस्थाएँ आ रही हैं, सब व्यवस्थाओं नपी नपाई है। जब कार्यकाल खत्म हो रहा है तो उसका प्रचार हो रहा है, तो जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं वो लोग तो फायदा ले रहे हैं, बाकी लोग जो हैं दरखास्त ऑनलाइन करके ये लाइन करके दौड़ते रहे। समाप्त कर मोदी जी। लेकिन भाजपा के लोग, भाजपा पार्टी जो है, उनके नेता और उनके चाहने वाले भी ये कहते हैं कि हिंदुओं का हित इसी में, हिंदुओं की पार्टी है, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए काम नहीं कर। सवाल ये है कि भाजपा के लोगों का जन्म ही कितना दिन हुआ है? 1940 में ये जन्मे हुए, इनके नेता कौन है? इनके नेता तो गोलवरकर जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्थापना किया है, और इन लोगों को गाड़ी से उतारा गया है। ये लोगों ने हमेशा वही काम किया जिससे कि क्रांतिकारियों को गोली मारी गई। आज ये टाउन हॉल में कम से कम 10,000 क्रांतिकारियों को घेर के गोली मारी गई। आज यहाँ के राष्ट्र चिन्ह को उखाड़ के फेंक दिया गया। मैंने जो नक्शा जो दिया था यहाँ के विकास के संदर्भ में, मैदागिन के सुंदरीकरण के संदर्भ में, उस नक्शे का कुछ नहीं, उस नक्शा दबा दिया गया। उसमें बनारस का स्वच्छता था, सुंदरता था, और यहाँ दोनों तरफ दुकानों की अच्छी ये थी कि लोगों को रोजगार भी मिले और लोगों को जो काम करते हैं उनका भी लाभ हो, जो रोजगार कर रहे हैं, जो यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं आज 40 साल से, उनको अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो अन्य लोगों को रोजगार दे के दिखावटीपन और ये पोस्टर लगा के क्या होगा? मोदी जी का जिंदाबाद और योगी जी का जिंदाबाद करने से क्या फायदा? ये भाजपा के जो भाजपा जो प्रचार करती है उसमें पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है, वो कहते हैं कि हिंदू खतरे में, यार भाजपा नहीं रहेगी तो हिंदू मिट जाएगा। भाजपा की, कांग्रेस की, सपा की बात नहीं करता मैं आनंद नारायण सिन्हा, राष्ट्रीयकृत बात करता हूँ राष्ट्र के संदर्भ में। मुझे भाजपा से कोई लेना नहीं है, न कांग्रेस से लेना, न कांग्रेस से मैंने लिया है, न भाजपा से लिया है, न किसी से साले से मैं किसी के आश्रय हूँ। मैं स्वयं करूँगा, वो जनता देखेगी। लाल बहादुर शास्त्री ने किया, कहा नहीं, आज सामने साक्षात प्रमाण है। चंद्रशेखर आजाद ने किया, कहा नहीं, साक्षात प्रमाण आज विश्व में। आज भी मोदी जी अगर विदेश में जाते हैं तो गांधी जी को नमस्कार करके ही पनाह पाते हैं, वरना पनाह नहीं मिलता। उस पे भी आऊँगा। आपने गांधी जी का जिक्र किया कि एक तरफ सही है कि अभी गांधी जी का फिर पुण्यतिथि आएगी, जयंती, मोदी जी एक तरफ मनाते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के लोग खुलेआम गोडसे का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं गोडसे का मंदिर बनना चाहिए, गांधी जी को गालियां दी गई पिछले दिनों एक कार्यक्रम में, आप कैसे देखते हैं इसको? ऐसा है कि कुछ लोग, जो लोग ना समझ है, ना पढ़े हैं, जो अपने माँ बाप का कदर नहीं करते, वो गांधी का कदर क्या करेंगे? उनको तो मालूम नहीं है शिक्षा दीक्षा, या वो अपने माँ बाप का जो बात नहीं मानता, वो गांधी ये क्या जानेगा? तो गांधी जी के संदर्भ में पढ़ाई गई चीज, पढ़ाई जाने वाली चीज को तो आप लोगों ने राजनीति करके दबा दिया है, असलियत सामने आया नहीं। आज का नौजवान पढ़ेगा क्या? जो सामने उसको देख रहा है, जो लोग बताएंगे वो मानेगा, जो मानने लायक होगा मानेगा, नहीं मानने लायक नहीं मानेगा। तो हरा चरित्र नहीं दिखाता है कि प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि भी देते हैं गांधी जी को और उनकी पार्टी के लोग? कि जिस बात को आप हमसे कबलवाना चाहते, मैं प्रियंका गांधी नहीं हूँ। उसने जो एक शब्द बोल दिया था आप लोगों ने बैरल उड़ा दिया। नहीं नहीं सर, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आप बुजुर्ग हैं, आपने देखे, आपने आज़ादी के आंदोलन के बारे में आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। हमारे लड़के के बराबर और नाती पोते के बराबर मैं वही बोलूँगा जो राष्ट्रीयकृत है, जिसमें सारे लोगों का भलाई हो, सारे लोगों का ये हो, और सारे लोग अपने देश में शांति प्रिय बहाली करके एकता को पिरो के गुलदस्ता की तरह बन के चले। कोई हिंदू है, न मुसलमान है, सिख है, न ईसाई है, भारतवर्ष है, भारतवर्ष। गुलदस्ता की बात करें, इसका मतलब ये कि एक देश में जहाँ पे सारे लोग मिलजुल कर रहेंगे, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी कोई भी आस्था रखते हों, इस सरकार में पिछले कुछ वर्षों में आपको क्या लगता है कि जो हमारी साझी विरासत थी, जो साझी संस्कृति थी, वो क्या कमजोर हुई है? बिल्कुल कमजोर, एकदम डाउन हो कर गई। कोई आप सनातन धर्म से उठाइए, आप कहीं से उठाइए, हमारे सनातन धर्म का हिंदुत्व हो रहा है। राजा जनक को हल चलाना पड़ा है समाज के लिए, राजा रामचंद्र को राक्षसों को मारने के लिए अपने बेटों को छोड़ना पड़ा, राजा दशरथ को, तो सनातन धर्म की रखवाली हुई है। तो
तो सनातन धर्म की रखवाली जो हुई है तो सनातन धर्म के साथ जो जुड़ा हमने सबको पना दिया, वही आज भारत की राजनीति महात्मा गांधी ने किया था और आज गुरुदस्तापन तभी ताकत है। सन 62 का युद्ध बात का सबूत है। अपने जो हमारी डाइवर्सिटी है, जो कहा जाए कि विविधता हमारी है, वही हमारी पहचान है, वही हमारी ताकत है। हमारे देश की वीरता, हमारे देश की मट्टी, हमारे देश की हकीकत है। इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, इस देश की धरती, मेरे देश की धरती आज भी इस बात का प्रमाण है कि जितनी भी खनाई हो रही है, जो मिट्टियाँ हमारे देश की निकल रही हैं, वो मिट्टियाँ माथे पर लगाने योग्य है, खंदक में फेंकने योग्य नहीं है। तो ये विकास नहीं बल्कि सनातन धर्म के साथ साथ विनाश भी हो रहा है और जनता भुगत रही है। आपने सर कांग्रेस की सरकार भी देखी होगी, इस बार भी चुनाव में प्रियंका गांधी बहुत सक्रिय हैं, महिलाओं का मुद्दा देखिए। यही बात मैंने आपसे कहा बेटा भी कि हमको बेटा कब किसी नेता के विरोध में वो विरासत क्या में आज उठा के भारत वर्ष पे कितनों चाहे कोई भी हो, आप इतिहास उठा के देखिए कि बड़े बड़े लोग रहे, जितने लोगों का नाम लोग लेकर जी रहे, किन लोगों को सम्मान नहीं दिया गया है। पटेल जी को सम्मान दिया गया है, सुभाष जी को सम्मान दिया गया है, लाला लाजपत राय को सम्मान दिया गया। आज इनके नाम को लेके आप गुजारे डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं कि इन्हें सम्मान नहीं दिया, आपसे क्या मतलब? हमारे परिवार है, हम जिसको परिवार बनाए परिवार को डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इस बार योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? अब योगी जी क्या बनेंगे, योगी जी तो जहाँ अवैधनाथ जी, जहाँ पर हम लोग उनके हमारे गुरु भाई हैं, हम उनके पाँच बजे अवैधनाथ जी का बात नहीं रख पाए योगी जी, तो और बात क्या रखेंगे। आपको क्या इस चुनाव में किससे उम्मीदें हैं? ना ये सब बात नहीं बेटा, हम बोलते हैं।